हम इन बाजवों को, बलाड़ों को, बटलों को, बादलों को इनका दीवा गुल करके विधानसभा में आए हैं। सब बाजवा सब बोल रहे हैं स्क्रीन पे, उनके दिमाग के अंदर जो फतूर है वो बोल रहे हैं सब लोगों के सामने। हमें आदमी नहीं समझते वो लोग, वो समझते पता नहीं कौन साढ़े आगे बैठ के ऐसे ऐसे बता करते। वो उनको पता नहीं चला अभी कि कौन हमारे आगे आ गए। वो गरीबों को, बच्चों को, चाहे वो दलित है चाहे किसान है, वो हमें मखौल करते। ये तो पहले फ्रेंडली मैच खेलते थे, अकाली और कांग्रेसी मैच खेलते थे, अभी तो इनका पेचा बड़ा है आम गरीब बच्चों के साथ। पता नहीं कहाँ सिद्धू दे कल को कहाँ चल जाना, किस पार्टी में चले जाना। इसका कोई है, इनका कोई करेक्टर है, कोई पता नहीं होता कब किसी के साथ कब किसी के साथ। ये क्या कर सकते, क्या बाजे बूझे हमें क्या कर सकते। ऐसे सिद्धू विद्धू जो भी तुले फिरते हैं, हमारी बहन को देखा है जीवन ज्योत को, वो मजीठिए को सिद्धू को कैसे मांझा उसने, बातें कितनी करते हैं। ये भगवंत मान जी 7 एकड़ के मालिक है, मास्टर मिंदर सिंह के बेटे, तो उनको लगता है कि 7 एकड़ वाला आदमी हमारे सामने बैठा, हमारा CM बन गया, हम कैसे तुले फिरते हैं। समझे कि नहीं गल। तो बाजवा जी को पता होना चाहिए कि उनका बयान लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। सर नहीं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारे विदेश मंत्री उनको एक लेटर लिखी है बीते दिन, और उनको रिक्वेस्ट किया है कि जो 700 बच्चा कनाडा में एक इमिग्रेशन एजेंसी की जे जो फरार किया लोगों बच्चों के साथ, उनके कारण जो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हर हिला किया जाए, उनको रोका जाए, उनको उधर इमिग्रेशन दवाई जाए। क्यों दवाई जाए? क्योंकि जब वो लोग बेचारे गए थे, आम घरों के बच्चे थे, किसी ने 1 एकड़ बेचा, किसी ने 2 एकड़ बेचा, किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने घर के अंगेज लोन लिया, तो उसके बाद भी पढ़ाई पे बहुत पैसा लगा, तो उन लोगों की मेंटली हालत बहुत बुरी है। तो हमने जो डिमांड की है, और कल हमने जो NRI डिपार्टमेंट उनकी मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में मैंने पूरे पंजाब के अफसर बुलाए हैं, और हम देखेंगे कि पंजाब सरकार हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में क्या क्या कर सकती है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के मापियों के लिए। जो भी हमें लगा कि हम ये कर पाएंगे वो हम करेंगे। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि वो लोग कनाडा से वापस ना आए और उनको उधर इमिग्रेशन मिल जाए, सेटल हो जाए। हमारी ये कोशिश मेरे ख्याल आज तक आ जाएगा। आज भी सुबह बात की हमने, बोल रहे थे कि विदेश मंत्री जी कहीं बात बिजी हैं तो वापस आ रहे हैं, हम उससे वाले करेंगे। जब भी वो बुलाएंगे, सुबह बुला ले तो हम सुबह भी चल जाएंगे, कोई बात नहीं। जब भी मतलब हम 24 आवर हमने बताया उनको कि ये बहुत बड़ा इशू है, हमें जब भी विदेश मंत्री जी सैटरडे संडे जब भी टाइम दें हम उससे ले दिल्ली चाहेंगे। अच्छा, एक प्रताप सिंह बाजवा ने आज बोला कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, तो जो आपने एलिगेशन आपकी पार्टी ने लगाए थे तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, उस पर तो देखो हमारे जो विरोधी, हमारे जो मंत्री वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा और हमारे सारे MLO ने जो PC किए दो दिन पहले, उन्होंने जो दोष लगाए जे ऐसे नहीं लगा दिए। सब बाजवा साहब बोल रहे हैं स्क्रीन पे, उनके दिमाग के अंदर जो फतूर है वो बोल रहे हैं सब लोगों के सामने। हमें आदमी नहीं समझते वो लोग, वो समझते पता नहीं कौन साढ़े आगे बैठ के ऐसे ऐसे बता करते। वो उनको पता नहीं चला अभी कि कौन हमारे आगे आ गए। वो गरीबों को, बच्चों को, चाहे वो दलित है चाहे किसान है, वो हमें मखौल करते। भगवंत मान जी 7 एकड़ के मालिक है, मास्टर मिंदर सिंह के बेटे, तो उनको लगता है कि 7 एकड़ वाला आदमी हमारे सामने बैठा, हमारा CM बन गया, हम कैसे तुले फिरते हैं। समझे कि नहीं गल। तो बाजवा जी को पता होना चाहिए कि उनका बयान लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं सर, पर हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। हम इन बाजवों को, बलाड़ों को, बटलों को, बादलों को इनका दीवा गुल करके विधानसभा में आए हैं। गरीब लोगों के बच्चों ने इनका दीवा गुल किया है, और देखा हमारी बहन को देखा है जीवन ज्योत को, वो मजीठिए को सिद्धू को कैसे मांझा उसने, बातें कितनी करते हैं ये। इनको जब पता नहीं लगता लोगों ने इनको रद्द किया हुआ है, जितनी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी इकट्ठे हो जाएं, लोगों को जब इकट्ठे होते हैं ना लोग बोलते हैं चोर इकट्ठे हो गए,
समझ दिया। सो बाजवा क्या बोलता है क्या नहीं बोलता हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, भगवंत मान की टीम के मेंबर हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और ये सुपना लेना छोड़ दें कि दोबारा कभी ये सत्ता में आ जाएंगे। ये सुपना ना ले, ये भूल जाएं, ये शायद भूल जाएंगे होंगे दोबारा आएंगे। ये तो पहले फ्रेंडली मैच खेलते थे, अकाली और कांग्रेसी मैच खेलते थे, अभी तो इनका पेचा बड़ा है आम गरीब बच्चों के साथ। हाँ अमीर हो सकते हैं, जो पैसे वाले हैं हो सकते हैं, पर सर हमारी जमीर है, हम पैसे से गरीब हो सकते हैं, दिल से अमीर हैं इन लोगों के अच्छे हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता। ये लोग तो सेल पे लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ सिद्धू दे कल को कहाँ चल जाना, किस पार्टी में चले जाना, इसका कोई है, इनका कोई करेक्टर है, कोई पता नहीं होता कब किसी के साथ कब किसी के साथ। जो बाजवा बोल रहा है कितना किया, 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर ने उन्होंने पंजाब च नहीं बढ़ दिता कि कहना ही कैप्टन ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, जे कर दिया वो कर दिया। इनके बयान पढ़ो पहले कितने कितने थे, राजा शाही ने जे कर दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बटाले की सीट का माड़ा जहा बस चोगा डाला तो बाजवा साहब उससे हथियार सुट गए। मैं उस टाइम भी बोला था कि पूरे माझे के लोगों की तहीन कर दी बाजवा साहब ने, जो ये बोलता था कैप्टन अमरिंदर के घर जाके जैसे उनकी चेयर पे बैठा सारा माझा शर्म नाल मर गया कि यार क्या हुआ, बंदा बोलता क्या था। सर हम जो गरीबों के बच्चे बोलेंगे वो ही करेंगे, एक एक, एक क्या कर सकते, क्या बाजे बूझे हमें क्या कर सकते, ऐसे सिद्धू विद्धू जो भी तुरे फिरते हैं सर गरीबों के बच्चों को जो कुछ नहीं कर सकते।